लैंडस्लाइड है या पहाड़ का बनाया हुआ है? ये लैंडस्लाइड हुआ है बहुत पहले, ये सब इकट्ठे ये रोड और पीछे ऐसा एक रोड था जहाँ पे हमारी एमजी फंस गई। मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो बाहर ना फंस गई। एमजी लाने लायक नहीं है यहाँ पे, नहीं बहुत लो फ्लोर है। सच पास के लिए तो बिल्कुल नहीं है, काई जम गया पत्थर पर। अभी थोड़ी देर में जिंदा हो जाएगा पत्थर। बादल आने शुरू हो गए, हमने ज़्यादा डिस्टेंस कवर भी नहीं किया है, वहाँ टाइम भी हो गया, पता नहीं कितने तक सच पास पहुँचेंगे। फिर के लार, फिर किश्तवाड़ वाला रास्ता, फिर वहाँ से पहलगाम। ओ भाई साहब, आगे का व्यू के अंदर में आप अगर देखना ही है तो सिर्फ रोड ही देख सकते हो दाद से, जो रोड बिल्कुल खराब है। 10-15 दो 3 किलोमीटर के बाद में कौन सा बैलागढ़ ना, बैलागढ़ से 2-3-4 किलोमीटर ऊपर चढ़ेगा, उसके बाद तो भैया एक मिट्टी वाला रास्ता जिसमें पीछे वाला टायर हवा में घूमता था, और उसके बाद से ऐसा ही रोड चले ही आ रहा है। ऐसा रोड पांग वाले में भी नहीं, हम लद्दाख वाला इससे पहले वाले में भी ऐसे ही रोड था वहाँ से भाई। हाँ सारा सेम ऐसे ही रोड था, पर कुछ भी कहो नीचे से घाटी बहुत अच्छी लगती है। ये उससे खतरनाक रोड है वो, तो फिर भी सही था। अभी तो आपने खतरनाक रोड गया कर रहे हैं। हाँ अभी तो बाकी है हमारा। आज हम अपने टाइम से एक दिन पीछे चल रहे हैं, तो मैं ऐसे मानी सोच ही रहा था कि 2 दिन कम से कम ऊपर लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि प्लानिंग के हिसाब से आगे जो रोड सही हो वो प्लानिंग सही रहता है, जो रोड आप देख रखते हो इससे पहले आए हो और कहीं पे देख रखते हो। और सच पास वाला रोड पे कहीं पे वीडियो कुछ भी नहीं कि मतलब फुल इंफॉर्मेशन दे सके कि रोड कैसा है, कितने बजे चेक पोस्ट बंद होना है और कितनी जगह लैंडस्लाइड है। और लैंडस्लाइड इस टाइम पे जुलाई के बाद में तो बिल्कुल मत आओ। जुलाई मतलब 25-26 के बाद में अगर जब वेदर चेक करो, वेदर चेक करने के बाद क्योंकि वेदर भी आजकल गलत बता रहा है। जो वेदर था हम लोग जो देख के निकले थे उसके अंदर में ये था कि बारिश नहीं होगी, और जैसे ही हम हिमाचल एंटर कर रहे हैं, जैसे आपने पीछे वाले ब्लॉग्स में देखा होगा हमारे, जैसे ही हिमाचल हम एंटर करें वैसे ही बारिश स्टार्ट होना शुरू हुई और वो रुकी नहीं। चंबा जाके रात को बूंदाबांदी चालू हो रह गई थी और सुबह थोड़ी बारिश हो गई, फिर सुबह थोड़ी धूप हो गई, फिर वहाँ से निकले लेट हो गए, 12 बज गए निकलते निकलते, तो उसके बाद तो हम लोग पहुँच ही नहीं पाए। बट एक चीज़ देखो, एक चीज़ पूरे पहाड़ में बादल है, तो मैं 2-4 पहाड़ तक, और वो उधर धूप निकल रहा है, वो उस साइड एक धूप का ना सारे धूप वाले पहाड़ है वो सारे उधर स्थिति है चंपा बम्बा। क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस पहाड़ों पे ऐसा लगता है कि आपने बहुत गाड़ी चला ली पर उतना डिस्टेंस कवर नहीं करते, जस्ट बिकॉज ऑफ ये रोड। रोड इतने ख़राब है क्योंकि BRA का रोड्स नहीं, बीआरओ के रोड्स रहते तो ये अभी तक बन चुका होता, क्योंकि आर्मी मूवमेंट्स पे रोड बने होते हैं। और कितना ऊपर रह गया सच पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैप इंटरनेट सब चीज़ बंद हो चुका है। और अभी जो पीछे वाटरफॉल पे हमने डूबने वाले शॉट्स लिए उसमें हमारे सारे कपड़े गए और ठंड लग गई। अब हम यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे और वेट करेंगे अर्शद भाई का, जस्ट बिकॉज कि मेरे को लग रहा है कि पीछे वाला रास्ता ख़राब है और वो धीरे धीरे चल रहे हैं। अब उनकी गाड़ी को हमें आगे करना पड़ेगा और हमें पीछे रहना पड़ेगा, क्योंकि उनसे कवर नहीं हो पा रहा, हम तो भाई टपाते टुकूते निकल गए। पहले तो हम आए नहीं, आते तो जोर पता था टायर में पत्थर लग के नीचे घास बेटा वाला, अभी वो नीचे पहुंचा है वो चढ़ना है, फोटो ले लेते हैं ना, रुक गए थे वहाँ चढ़ना। अच्छा हमें लगा हम ही भी एफ प्रूफ अपने कपड़े भी ना, गलती कर दिया ना, वो प्लास्टिक वाला वो लेके आना चाहिए था। बंदर दिखा, बंदर बंदर कितने इस रोड पे बंदर है, किलार पहुंच चुके हैं। अभी उस टाइम पे टायर पंचर होने के बाद में इतना दिमाग खराब हुआ, बारिश अलग हो रही है ऊपर से टायर
गाड़ी स्किड कर गया नीचे, जैक पे से नीचे उतर के मासूम भाई के हाथ में लगा था बैठते हाँ हमसे लगा ये जाके जोर से लगा था जाके अगर उसके नीचे टायर नहीं रहता ना कट जाता इसका हाथ कट जाता अगर टाइम पे है पता नहीं बस हल्का सा स्क्रैच आया है अभी निकल चुके हैं मतलब केदार पहुंचने वाले हैं बहुत लेट हो चुके हैं 3 बज गए अभी तक हम लोग केदार नहीं पहुंचे अब देखिए क्या होता है केदार से कैसे निकलेंगे निकल जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे कुछ नहीं पता है अभी क्योंकि पीछे तो बारिश हुई है नीचे तो धूप आ गई है जंगल वाले रास्ते से लग रहा है डेजर्ट सफारी करने के लिए बंदर अंदर है रोड अब यहाँ से रोड सही हो गया है अब देखते हैं कितनी दूर तक है उसके बाद फिर है वैसे टूटे हुए रोड पे आना है अब यहाँ से तो रोड आगे तक सही है अच्छा ये शार्प कट है बिल्कुल हाँ ये नए नए रोड है अभी पीछे भी कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं नए रोड का और अभी एक पुल दिखाता हूँ आपको इतना सही पुल है वो लंबा सा दिखा ये रोड पुल से 2 किलोमीटर अंदर बना नहीं 1 किलोमीटर है हाँ दो हाँ घूम के है ना हाँ 2 किलोमीटर होगा पर ये पुल कोई और है हमें उस पर नहीं जाना है उस पर नहीं जाएगी गाड़ी मेरे ख्याल से हाँ तो पुल भी तो पार करना है ना तो ये झील कैसे पार करेंगे हम पुल तो होगा ही पहुंच गए ये पुल के पास कबीर सिंह पुल पे लिखा हुआ है गॉड कबीर इज गॉड ओहो ये वाला पुल है वो पुराना पुल है ये पुराना वो आवाज कितनी कर रहा है पुल उसको खींच के बनाया ना एक तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता ऊपर से दिमाग अलग खराब हो गया एक दो बाइकर्स मिल गए वो कह रहे रोड खराब है पीछे वाला पुलिस वाला कह रहा है नहीं रोड सही है यहाँ के लोकलों से पूछा तो वो कह रहा है सही है रोड अब देखते हैं क्या करते हैं नहीं तो हम लोग ने ये डिसाइड किया था कि यहाँ से हम लोग चलते हैं केलार और केलार के अंदर में कैंप कर लेंगे बट अभी एक बंदे ने जो वहाँ पर गाड़ी वाड़ी ठीक करता है उसने ये बताया है कि आप लोग चले जाओ और सीधा जाके गुलाबगढ़ पड़ता है कोई वहाँ पर खुला ग्राउंड है वहाँ पर जाके आप अपना कैंप कर लेना कोई दिक्कत नहीं है और रोड सही है 50 किलोमीटर है 2-3 घंटे लग जाएंगे 3 नहीं तो 4 लग जाएंगे पहुंच जाएंगे कोशिश कर रखे हैं देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं यहाँ से रोड स्टार्ट हो गया किलार कुशवाहा जो हमारा ड्रीम था इस रोड पे करें इंडियाज मोस्ट डेंजरस रोड काफी वीडियो और फोटोज देख देख के इंस्पायर हो गए थे दोनों भाई हम तो हुए तो साथ से और लोगों को इंस्पायर कर दिया आना है तो आना है इस रोड पे बिल्कुल पहाड़ को काट करके बनाया गया डिजाइन सही बनाया रोड का काट काट के एक एडवेंचर हमारा रह जाएगा पदुंग से ले जाना वो सबसे बड़ा वो भी ऐसे ही रोड है बट वो भी लोग कम जाते हैं तो एक्सप्लोर करने में अच्छा रहता है अब इस रोड से बहुत कम लोग जाते हैं जो घूमने वाले लोग होते हैं नहीं तो वो लोग केलार से डायरेक्ट मनाली निकल जाते हैं क्या लॉन्ग तांडी होते हैं पूरा का पूरा पैसा वसूल है ये पूरा एरिया देखिए इन्हें देखने के बाद में कहाँ ही लगेगा कि आप ऐसा लग रहा है कहीं अच्छी जगह आ गया और ये पानी अगर साफ होता तो और सही लगता ये लोगों को तो मौका मिलना चाहिए फ़ोटो खिंचवाने के लिए बस साथ में आओ देखो पता नहीं अभी लो यार वो एसी खराब पता नहीं क्या हो गया
गैस लीक कर गया या नीचे से कोई पत्थर लगा। तो अभी हम लोग किश्तवाड़ वाले रोड पे आ चुके हैं। यही अभी साइड से रोड तोड़ है, रोड यानी कि ये रोड बनना है, हाईवे है तो ये नेशनल हाईवे ही, पर ये नेशनल हाईवे ऐसा है इतना बड़ा। अभी जैसे जम्मू कश्मीर में एंटर करेगा वहाँ से रोड ठीक है बोला है जहाँ तक कि वहाँ से कम टूटा हुआ है, जो दिक्कत आएगी वो यहीं तक ही आएगी। अब यहाँ जहाँ हम लोग वहाँ थे किलार, वहाँ से 15 किलोमीटर के आसपास में वो था क्या बोलते हैं हमको बॉर्डर चेक पोस्ट, अब वो ये नहीं पता कि हिमाचल का था या कश्मीर का था। तो अभी हम लोग मोस्ट पहले 5-6 किलोमीटर आ गए, हमें रात नहीं आया था तो अभी निकल रहे हैं। हमारा स्टॉप यही है गुलाबगढ़ रुके, अगर गुलाबगढ़ के आगे रोड सही रहा तो इंशाल्लाह हम लोग श्रीनगर ही निकल जाएंगे डायरेक्ट, रुकेंगे। हिमाचल का चेक पोस्ट था, अब हम लोग जम्मू कश्मीर एंटर कर रहे हैं। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ चढ़ाई है, श्रीनगर 358 जम्मू किश्तवाड़ स्टार्टिंग अर्ली गो स्लो, ये पूरा जंगल वाला एरिया आ गया। अब यहाँ से ये है जो हमारा ड्रीम गाड़ी चलाना है। चेक पोस्ट क्लियर करके जम्मू वाला भी शायद चेक पोस्ट क्लियर हो गया और अब ये सीधा सीधा खड़ी चढ़ाई है, कहीं से भी गाड़ी का टायर कहीं भी लग रहा है कहीं भी चल रहा है। अब साला हम लोग चढ़ गए हैं ऑलमोस्ट 5:30 पे। हाँ क्या हुआ सीन हो चुका है दोबारा, पानी में जाते ही गाड़ी के अंदर आ गया है पानी हो गया है गाड़ी और मासूम भैया का मुंह बन गया है कि का है जूता भीज रहा है उनका जूता। वो एक्चुअली क्या है, गाड़ी के आगे जो पानी ड्रेन करने के लिए जो नाली वाली होती है ना, वो उसके ऊपर बहुत मिट्टी जम गया है और मैंने बोला था कि उसको साफ करने के लिए तो पर वो साफ नहीं किया। अब मैं उसको साफ करने की कोशिश कर रहा था पर वो हुआ ही नहीं। अभी हम लोग कश्मीर के भी बॉर्डर पार कर चुके हैं और अब हम लोग, ये जो लोग इतना डराते हैं यूट्यूब के अंदर में कि ये ऐसा रोड है वैसा रोड है नहीं जाना चाहिए रात को ये, अब वो सब चीज़ ख़त्म हो चुका है। अब इन्होंने बीआरओ वालों, मतलब बीआरओ या जम्मू कश्मीर वालों ने जो भी जिन्होंने भी किया है, इन्होंने ऊपर से रोड बना दिया सीधा सीधा कि आप लोग ऊपर से जाइए, आप लोग किलार से आइए, किलार के बाद 30 किलोमीटर के बाद में पड़ता है गुलाबगढ़, गुलाबगढ़ तक रोड ऐसा है। उनके बाद अभी देखो जो लोगों ने बोला है कि गुलाबगढ़ तक में दिक्कत है, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखते हैं क्या सीन है, पर मज़ा आ गया वैसे गाड़ी को पानी में नहला के, मेरी बेबी नहाने आई है। अब
फाइनली ये रोड ठीक हो चुका है यहाँ पे, गुलाबगढ़ आने वाला है बस 5-7 किलोमीटर। ये पुराने वाले रोड से जोड़ दिया गया था मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर जो डेंजर रोड था, उसके अलावा उन्होंने ऊपर से रोड बना दिया है और वो बहुत सही है, मिट्टी वाला रोड है बट इतना डेंजर नहीं है, काफ़ी चौड़ा रोड है। उसके बाद ये थोड़ा सा 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, पर ये भी इतना डेंजर नहीं है कि आप ये सोचें कि हम किलार से कुशवाहा किश्तवाड़ नहीं आ सकते। आप आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, सुबह निकले आप आराम से पहुंच जाएंगे। और ये यहाँ से फिर 7-8 किलोमीटर रह गया गुलाबगढ़, और ये खड़े हो गए सारे आदमी, सबके उनके कमर में दर्द हो रहा है, ये नीचे बैठ गए, सबके हालत ख़राब हो चुकी है। ये रोड इतना ज़्यादा बुरा था क्योंकि हम लोग सच पास से चले हैं और अब यहाँ पहुँचे हैं। अभी का कोई प्लान नहीं है ये क्या सिस्टम है, क्या से क्या करना है। अब यहाँ से गुलाबगढ़ के बाद ही पता चलेगा कि कैसे, या तो किश्तवाड़ जाएंगे नहीं तो हम डायरेक्ट श्रीनगर निकलेंगे, डिपेंड्स ऑन टाइमिंग और डिपेंड्स ऑन रोड। अभी अरशद भाई नहीं पहुँचे हैं, वो भी अभी ऊपर ही हैं अभी, तो वो आते हैं फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। वैसे ऊपर बहुत सही हो गया, जूम करके कोशिश करता हूँ दिखाने की। ऊपर बिल्कुल बादलों ने पहाड़ों को ढक लिया है। डाढ़ सीधा कर रहे हैं वो अपना, डाढ़ मतलब कमर, कमर दुख रहा है उनका। टायर नहीं, सीधा नहीं हुआ, वो नीचे ही अभी टायर जो अभी वो हुआ था उस क्या बोलते हैं पंचर हुआ था, काफ़ी नीचे ही रह गया हमने टायर, क्योंकि बनवाना है ही ये टायर अभी इसलिए। और वहाँ पर एक फॉल दिख रहा है, अरशद भाई आगे रोड खराब है, बिल्कुल ही खराब है रोड, बिल्कुल चढ़ाव वाला रोड आ गया फिर से, बगल में एकदम तेज बहता हुआ पानी। चल 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 बिल्कुल नदी के वाला, नदी के बाद एकदम स्पीड में लेके आइएगा, बोलेगा स्टार्टिंग से रहिएगा, स्टार्टिंग से ही स्पीड में रहिएगा। अरे जो स्टार्टिंग वाला पहाड़ है जैसे हमने स्टार्ट इधर एक कट था राइट साइड को, एक सीधा रास्ता था राइट में मुड़े थे ना, सीधा नहीं सीधा नहीं बोर्ड लगा हुआ है, हां सीधा आना है, अरे सीधा नहीं कट, सीधा नहीं कट मारना है, कट मारना है वहां से राइट कट, हाँ राइट कट, वो गराम वाला रोड है सीधा जो जा रहा है, वो कोई गांव में जाता है, राइट अपने को मुड़ना है वहाँ से, यहीं तक रुक ना। गुलाबबाग में मेरा नेटवर्क तो आ गया और इसलिए सबको मैंने हॉटस्पॉट बांट दिया, भैया बात कर लो इसके बाद मेरे फ़ोन में आएगा नहीं नेट। तो अभी एक अपडेट ये है कि हम लोग गुलाबगढ़ से निकल गए हैं किश्तवाड़ के लिए। किश्तवाड़ यहाँ से पड़ता है 65 किलोमीटर, और आर्मी वाले भी पीछे रोक के चेकिंग वेकिंग कर रहे थे, तो उन्होंने से हमने पूछा कि कैसा रोड है, तो वो लोग ये कह रहे रोड सही है, बीच में 2-3 पैचेजेस हैं जिसके अंदर में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बाकी पूरा रोड ठीक है। तो फिर अभी अगर हम लोग किश्तवाड़ टाइम से पहुंच जाते हैं, जैसे कि 9 बजे 9:30 बजे या 10 बजे भी किश्तवाड़ पहुँच जाते हैं, तो वहाँ से फिर हम लोग सीधा निकल जाएंगे श्रीनगर के लिए, क्योंकि ये जो हमारा एक दिन का हॉल्ट का सिस्टम था वो हो जाएगा क्लियर। तो अब आगे देखते हैं कैसे क्या होता है, जैसा भी होता है आपको अपडेट मिलती रहेगी। हम लोग निकल चुके हैं, गुलाबबाग था ना क्या नाम, गुलाबबाग, गुलाबगढ़ से रात के टाइम पर निकले हैं 8:15, मतलब 8:15 हो रहे हैं, तो वही निकले होंगे 7:30 के आसपास। अभी का प्लान ये है कि हम लोग जा रहे हैं किश्तवाड़, नाइट ड्राइव सही है, बट अगर आप अगर बिल्कुल शार्प ड्राइवर हो और आप अगर ड्राइव कर सकते हो रात के टाइम पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज चाहे आप किलार से आ रहे हो चाहे आप यहाँ से आ रहे हो,
हाँ बस ये है कि आप 3 बजे से पहले पहले किलार से निकल जाए, क्योंकि जो चढ़ाई वाला रास्ता है ना वो थोड़ा डेंजरस है। पर अभी वाला रोड मैंने आर्मी वालों से पूछा था तो वो लोग ये कह रहे हैं थोड़ा मोड़ा टूटा हुआ रास्ता है, बट बाकी सब चीज़ ठीक है, आप जा सकते हैं। तो अभी अर्शद भाई जस्ट पीछे ही हैं हमारे, तो हम लोग साथ साथ ही चल रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग श्रीनगर तक निकल जाएंगे रात तक, रात को। तो हमारा एक दिन का जो हॉल्ट है वो बराबर हो जाएगा। अभी कोई यहाँ पर इस कोई पूजा वूजा है इसीलिए सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं। क्या है दिनेश भाई? कोई देवी की पूजा। हाँ कोई देवी की पूजा है, यानी आगे कोई मंदिर है देवी का, इसीलिए बहुत लोग निकल रहे हैं। अब वहाँ से जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं सब उन्हीं के लिए ही आ रही हैं। बोलिए कुछ क्या बोले, खट्टी पड़ी है क्या बोले? मेहनत जारी है, मेहनत जारी है। सिचिलिया का हाथ मेरा मारा का अच्छी लगा, सिचिलिया का वैसे आज लगा दे सकते का तुमने क्लास नहीं मिला उनको अभी तक। सेल्फी है? सेल्फी को क्या करना, सेल्फी चिपकाएंगे ना इसे, सेल्फी लगा ना। हाँ उसे चिपक जाएगा वो वाला बूंद, वो आता है उसको ना ऊपर सेल्फी डालते हैं ये चिपकने के बाद। अगर हवा चलाएंगे इसमें अगर बनेंगे नुकसान। दिनेश का स्माइल, दिनेश का स्माइल चेक करो। इसका हंसी सुन। नहीं जाएगा हवा आने दीजिए भैया, अब तक जाएगा भाई। ठीक ठाक है ठीक ठाक है। हवा भरो, हवा भरो भैया। जिम वाले कौन कौन है? नहीं कुछ उत्तर नहीं, डाल नहीं मिल रहा। अरे पूरा अंदर जाएगा कहीं गया। अब
भगवान का पूरा भर दो तभी नहीं जाए। कोई भी बात हो ये मुस्की ना मारे, ऐसा हो नहीं सकता है। पूरा जाना तो पहले हवा पहले वो जब तक नहीं बनेगा ना तो उधर से हवा लीक कर जा रहा है भाई। जितना उसने टायर नहीं बनाया उससे ज्यादा टायर खराब कर दिया उसने। क्या दो तीन जगह वो पत्थर का कट लगा था। लंगर चल रहा है भाई। नहीं भाई चलना, तुम लोग लंगर ही देख रहे हो यार। हद है। वॉकी टॉकी निकाला है? हाँ निकाल दिया पास में। तो हम अब बस, अब मैं ये पूरी रात में क्या ही दिखाना, तो मैंने कहा ये लास्ट ही जो ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं 15 अगस्त के लिए स्पेशल था, बना रखा है बिल्कुल ही, पूरी लाइटिंग कर रखी है, हर चीज़ बहुत सही लग रहा था। ये पूरी रात का ही है, ऐसे ही रोड चलता रहेगा। तो अगर कोई ऐसे अपडेशन होगी, रोड ख़राब होगा या कुछ ऐसा होगा, तो आई विल तब मैं उसके वो कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया बोलने में। आई विल अपडेट यू। तो जैसा भी है लेट सी कैसा रहता है आगे का रोड। बाकी अगर कुछ ऐसा हुआ तो बना के बता दूँ। कहीं खड्डा हुआ ना लेके चले जाएंगे। अभी मत आना, रुक जाना अभी। आ जाओ आ जाओ, आराम आराम से आ जाओ, धीरे धीरे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाथी तो हालत खराब कर दी। तो साहिल भैया कुछ बोलना चाहेंगे? बड़े भैया कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, रात के टाइम पर ड्राइविंग ऐसी ही होती है, दिमाग खराब हो गया। रोड ही नहीं दिख रहा था कहाँ से जाएगा। अब वो पूरा रोड टूटा हुआ था, पता ही नहीं चल रहा है। रात को तुम 1-1.5 बजे करीब में पहाड़ों पर गाड़ी चलाओगे तो कंफ्यूजन तो होनी ही होनी है। सही बात है, पर रोड सही है, थोड़ा मोड़ा कहीं पे टूटा फूटा है, बट अगर दिन में आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रात के टाइम पे थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, बाकी तो आगे आप देख ही रहे हैं क्या सिचुएशन है। आई थिंक वो पास निकल गया है, बस पास आगे है, बस अब पहुंचने वाले हैं। देखो ना राइट साइड, यहां से राइट घूमोगे पास आई थिंक आ जाएगा। मेरे को लग रहा कि वही था क्योंकि वहीं पर ही अभी हम लोग चढ़ाई पे हैं ना। अब उतर रहे हैं नीचे। हां उतर रहे हैं भाई, नीचे उतर रहे हैं। वही था पास, ये तो पास नहीं था, फोन तो बताया नहीं है। छोटा सा गांव मिलेगा। अरे यार वही पास था, पता नहीं छोड़ो। अब 12,500 फीट वाला पास हमने मिस कर दिया। चलिए फिर आगे मिलते हैं। बना रहे? हाँ। पूरी की पूरी विजिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, बादल आ गए हैं ऊपर और दिख मतलब कैमरे में तो आपको साफ दिख रहा हो, पता नहीं दिख रहा है नहीं, बट यहाँ से पता चल रहा है कि कितनी विजिबिलिटी कम है। इधर इधर लेफ्ट 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 बिल्कुल ही विजिबिलिटी चली गई है। एक मिनट समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से रोड है। अभी ऐसा लगा कि हमने पास क्रॉस कर दिया है, बट अब ऊपर चढ़ाया जा रहा है या ऊपर चढ़ रहा है पता नहीं क्या है, सीन ही नहीं समझ आ रहा इसका। ऊपर से बादल परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बस क्लियर हुआ, क्लियर हो गया काफ़ी देर के बाद, पता नहीं है जैसे क्लियर हुआ है। चौथे बार बादल मिला था, ये फिर से स्टार्ट हो गया। आ रहा है जा रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, पता है सर जहाँ ज़्यादा है ना। हाँ उधर लेफ्ट आगे पैदल चलेगा। अरे यार पता है
वो बात भी ठीक है बट ठंड बहुत है बाहर, बहुत ज़्यादा ठंड है। कोई नहीं यार, सौ रोड के एकदम नहीं दिख रही, ज़्यादा स्पीड में मत जाना। हमारे ग्रुप के बकरीबाज आ रहे हैं। पीछे से वो अकार है, देख रहे हो? बहुत डीट है ये लोग, बहुत ज्यादा डीट है। बकरी बाज हमारे ग्रुप का। चलो बैठो,